तैयार की है उसका आज ये पहला पार्ट है। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और प्रश्न अगर अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न, निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? जी बिल्कुल ठीक, सामाजिक वानिकी की बात करें तो तात्पर्य क्या होता है? पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लोगों द्वारा सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से वृक्षारोपण करने से है। और दोस्तों बात करें दिए गए ऑप्शन में से, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी, बहु उपयोगी पौधों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी के अंतर्गत, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मीन नहीं है? दोस्तों यहां पर पूछा गया कौन सी मीन है, और कई बार यह प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमाकर माने कौन मीन नहीं है पूछ लिया जाता है। बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा फ्लाइंग फिश जो है यह समुद्री मछली का एक प्रकार होता है, और यह जो है पानी से हवा में छलांग लगा सकती है, यह मछली पानी से हवा में छलांग लगा सकती है, इसी कारण इसका नाम जो है फ्लाइंग फिश होता है। बात करें दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर डी की, कटल फिश, तो कटल फिश एक प्रकार का मोलस्का संघ का जीव है। सिल्वर फिश की बात करें दोस्तों, तो सिल्वर फिश जो है एक प्रकार का कीट है जो पुरानी किताबों में पाया जाता है। आप लोग देखते होंगे सिल्वर कलर का एक छोटा सा कीट होता है, वो हमारी किताबों में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सिल्वर फिश। और ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो दोस्तों क्रे फिश स्वच्छ जल में पाया जाने वाला केकड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा, सबसे गहरा, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। झील का प्रश्न यह कई बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी और विशाल झील है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। गहराई कितनी दोस्तों? तो 1642 मीटर जो है इसकी गहराई है, 1642 मीटर इसकी गहराई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 1642 माने 1.6 किलोमीटर लगभग इसकी गहराई हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण दिए गए विकल्पों में से किसके द्वारा कौन करता है? जी हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का पर मांडा नामक हड़प्पीय स्थल स्थित है, और यही जो है वो उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नांकित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह कौन था? तो दोस्तों कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा आगरा को अपनी राजधानी बनाया गया था? जी दोस्तों बात करें तो लोदी शासक, लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था, और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सन 1939 में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था? तो दोस्तों ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष, बात हो रही है वर्ष 1939 की। जी 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? जी दोस्तों वर्ष 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक गांव में किया था, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। विनोबा भावे प्रवर्तक थे भूदान आंदोलन के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व का भार जिसने संभाला उनका नाम क्या था? जी नमक आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी अब्बास तैयब जी ने जो है आंदोलन का कार्यभार अपने ऊपर लिया था, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल कौन सा था? दोस्तों बात है पुरानी, और उस समय जो सन्यासी लोग थे तीर्थ यात्रा पर लगे करों से असंतुष्ट थे, और ये लोग जो है शंकराचार्य के अनुयायी थे, और दोस्तों शंकराचार्य के अनुयायी 10 संप्रदायों में बटे थे और उनके अलग अलग नाम थे, और इसका संबंध है तो सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र जो था वो बंगाल था, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल
राइट ऑप्शन हो जाएगा सन्यासी विद्रोह भड़काने का जो प्रमुख स्थल बंगाल और किस उद्देश्य से। तो दोस्तों सन्यासियों की जो तीर्थ यात्रा थी उसके ऊपर जो है टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, जिसके वजह से सन्यासियों में विद्रोह जो है भड़क गया। ऑप्शन नंबर बी बंगाल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया था वह कौन सा वर्ष था? जी अगर बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए स्टीफोर्ड क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जाते हैं। 22 मार्च 1942 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। उद्देश्य क्या था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से यह मिशन किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किस आंदोलन के चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की थी? दोस्तों बात करें 16 अक्टूबर 1905 के बंगाल विभाजन और उसकी प्रतिक्रिया में आरंभ स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला गीत लिखा था। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अमार सोनार बंगला के बारे में दोस्तों एक विशेष बात यह भी है कि 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी, राष्ट्रीय गान भी जो है वो बना था अमार सोनार बंगला। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंदोलनों को पूर्वापर क्रम मतलब आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों विचार करके बताया कि कौन सा आंदोलन पहले घटित हुआ था और उसके बाद और तत्पश्चात कौन सा आंदोलन घटित हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्योंकि देखिए खिलाफत आंदोलन जो है वो किस वर्ष घटित हुआ था, यह हुआ था वर्ष 1919 में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो आ जाएगा हमारा असहयोग आंदोलन जो किस वर्ष में घटित हुआ था, यह हुआ था 1920 में। इसके बाद अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की तो वर्ष 1930 की घटना है ये, और भारत छोड़ो आंदोलन जो सबसे आखिर की घटना है कब की है, 1942 की। तो 1919 सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन और सबसे लास्ट 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कुछ अनुच्छेद और उससे संबंधित तथ्य आपके समक्ष है, विचार करके बताएं कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों बात करें अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 79 की तो बिल्कुल ठीक है, संसद के गठन से इसका संबंध है। अनुच्छेद 226 की बात करें दोस्तों तो उच्च न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 226। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही हो जाएगा क्योंकि यह सही से सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल और 124 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में जिससे मुद्रा स्फीति नापी जाती है, इन्फ्लेशन को मापा जाता है, वह कौन है? जी शायद बिल्कुल ठीक, भारत में मुद्रा स्फीति का मूल्यांकन थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें, माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? जी बिल्कुल ठीक है, माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक जो है लाल कृष्ण आडवाणी की है आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना से सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था? जी दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न की तो औरंगजेब ने मुगल सेना में अन्य बादशाहों से ज्यादा राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं, अशोक के द्वितीय शिलालेख की बात हो रही है, किसका उल्लेख उसमें नहीं है? जी सातवाहन का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। इसमें दोस्तों था क्या द्वितीय शिलालेख में, तो इसमें निम्नलिखित 5 राज्यों का उल्लेख था, कौन कौन थे? चोल, चेरी, पांडे, सतीपुत्र और ताम्रपर्णी, तो इनका उल्लेख था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? जी समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था किसके लिए?
भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। जी लंका नरेश मेघ बर्मन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने है भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर बात करें तो बलवंत दिल्ली का वह प्रथम शासक था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और बात करें दोस्तों तो इस क्षेत्र में उसके आदर्श ईरानी बादशाह थे, कौन आदर्श थे, ईरानी बादशाह को आदर्श मानते हुए उन्होंने दिल्ली में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई है वह कौन सी है। जी बिल्कुल ठीक, हिंद स्वराज पुस्तक जो है मूलतः गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस वर्ष में लिखी गई थी, तो दोस्तों वर्ष 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, और कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा इसकी रचना की गई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन गोरखपुर जेल में फांसी पाया था। जी दोस्तों बात करें दोस्तों तो अगस्त 1925 को घटित काकोरी कांड में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे, और इनमें अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह जो थे वो प्रमुख थे, और इन पर मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी दे दी गई थी। और इसमें से दोस्तों अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में दी गई थी, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई थी। तो हमारा प्रश्न है गोरखपुर से ही संबंधित, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजेंद्र लाहिड़ी को दोस्तों गोंडा और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे पत्रिकाओं की सूची दी गई है, उनमें से किसका संबंध एनी बेसेंट से था। तो विचार करके बताएं दोस्तों दी गई पत्रिकाओं में से किसका संबंध एनी बेसेंट से था। दोस्तों अगर बात करें यंग इंडिया की, तो यह जो है वो महात्मा गांधी की पत्रिका है। इसके अलावा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है यह दोनों ही पत्रिकाएं जो है संबंधित हो जाएंगी एनी बेसेंट से, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, वानर सेना और मंजरी सेना दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। बिल्कुल ठीक, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों तो यह 1930 का आंदोलन था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में से कौन कौन सम्मिलित थे। जी दोस्तों अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था। जी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्वशासन होम रूल, तो आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई, तो जल्दी से विचार करके बताएं कि किस कालानुक्रम में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। जी दोस्तों अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले घटना घटित हुई थी दिए गए विकल्पों में से वह हो जाएगी हमारी चंपारण सत्याग्रह, कब हुई थी, 1917 में। इसके बाद की जो घटना है दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह की, तो रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था, 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह भी 1919 की ही घटना है, मगर रॉलेट एक्ट जो है वो अप्रैल 1919 की घटना है, और यह जो है घटना यह भी अप्रैल की है, तारीख में अंतर है, मगर दोस्तों रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल की घटना है, जबकि 13 अप्रैल की घटना हो जाएगी जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो बहुत ही क्लोज है, मगर याद रखिएगा रॉलेट एक्ट पहले हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो उसके 7 दिन के बाद हुआ था। और सबसे लास्ट घटना क्या हो जाएगी दोस्तों, चौरी चौरा घटना जो है वो 1922 की घटना है, तो उल्टा क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DCBA, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी,
कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसके द्वारा कहा गया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे ऑफ 1857 नामक पुस्तक जो है वो बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कई बार पूछा जा चुका दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विचार करके बताए दिए गए ऑप्शन बताए कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो 1887 में एक अधिवेशन जो तीसरा अधिवेशन था मद्रास में संपन्न हुआ था और इसमें कई सारे प्रतिनिधियों ने, लगभग 600 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता के लिए जो है बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था किस वर्ष में पारित किया गया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, जनवरी 22, 1947। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी 10वीं बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, तो दोस्तों हाईकोर्ट के द्वारा अगर कोई निर्देश दिया गया है उसे किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिए उच्च न्यायालय रिट निकाल सकता है और साथ ही यह निर्देश दे सकता है और इस संबंध में दिए गए निर्देश उपयुक्त विकल्पों में से किसी के द्वारा भी परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? जी ऑप्शन नंबर डी, गोईपोरिया कमेटी। दोस्तों अगर हम बात करें तो बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए 1990 में M.N. गोईपोरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में गया? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, सर्विस सेक्टर, ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दोस्तों, दो सूचियां आपके समक्ष हैं, देश और राजधानियों के नाम आपके समक्ष दिए गए हैं, मिलान करके बताया कि किस देश की राजधानी कौन सी है? जी दोस्तों अगर हम बात करें पेरू की तो पेरू देश की राजधानी का नाम है लीमा। जिम्बाब्वे की बात करें दोस्तों तो जिम्बाब्वे की राजधानी का नाम क्या है? बिल्कुल ठीक है, हरारे। क्यूबा की बात करें दोस्तों तो क्यूबा की राजधानी का नाम है हवाना, कोड जगह 2। और लाओस की बात करें दोस्तों तो बियंटाने जो है इसकी राजधानी का नाम है, तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से 4, 1, 2, 3 जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? कौन सी फसल जो है सबसे कम समय में तैयार हो जाती है? दोस्तों बात करें तो उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में जो न्यूनतम अवधि की फसल है वह ऑप्शन नंबर डी में दी गई है, मूंग। लगभग 60 दिनों में यह फसल जो है तैयार हो जाती है और सबसे ज्यादा समय किसे लगता है दोस्तों? अरहर की फसल को लगभग 250 दिन से ज्यादा, लगभग 270 दिनों का समय लग जाता है अरहर की फसल करने को, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों थारू जनजाति से संबंधित जितने ज्यादा से ज्यादा आप डेटा जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जनजातियों से संबंधित प्रश्न
पूछा ही जाता है और उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति थारू जनजाति जो है इससे संबंधित प्रश्न जो है कई सारे प्रश्न है, जैसे दीपावली के दिन शोक मनाते हैं और इस प्रकार के कई सारे प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है, दिए गए विकल्पों की अगर बात कर रहे हैं। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के तहत दो परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं जो कि 220 मेगावाट विद्युत इकाई जो है उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी नरौरा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित युग्मों में कौन सा सुमिलित नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर हम बात करें तो जीव मिल्खा सिंह जो है इनका संबंध एथलेटिक्स से नहीं है, किसका किससे संबंध है, इनका संबंध हो जाएगा गोल्फ से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यह सही सुमिलित नहीं है। कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, क्योंकि मिल्खा सिंह नामक एक मूवी आई थी जिसमें जो है मिल्खा सिंह धावक थे, मगर वह मिल्खा सिंह दूसरे हैं, यहां पर जीव मिल्खा सिंह की बात हो रही है। इनका संबंध एथलेटिक्स से ना होकर किससे है, गोल्फ से। इसके अलावा बाकी तीनों सुमिलित है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हैरी पॉटर नामक पुस्तक श्रृंखला का लेखक कौन है। तो दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है कई बार, अब इसके आने की संभावना नहीं है, मगर फिर भी यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बात करें इस प्रश्न की तो ऑप्शन नंबर ए जेके रोलिंग हो जाएगा राइट ऑप्शन, लेखक लेखिका जो है वो जेके रोलिंग हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जैनिकी प्रौद्योगिकी है। तो दोस्तों जैनिको जो है वो किस प्रकार की प्रौद्योगिकी से संबंधित है। जी बिल्कुल ठीक है, जैनिको प्रौद्योगिकी अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक के माध्यम से मां के गर्भ में स्थित शिशु में होने वाले विभिन्न विकार या रोगों की भी जानकारी प्राप्त कराता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो विचार करके बताएं दोस्तों, आयोडीन का संबंध दिए गए विकल्पों में से किस हार्मोन से हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों, क्रांति के नाम आपके समझ और उससे संबंधित उत्पादन के विचार मिलान सही मिलान करके दिए गए विकल्पों में से विचार करके बताएं कौन सही से सुमेलित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा किससे, कृषि में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से। हरित क्रांति किससे, कृषि में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से। इसके बाद दोस्तों नीली क्रांति का संबंध किससे, तो नीली क्रांति का संबंध होता है दोस्तों मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से, जैसे झींगा मछली उत्पादन इनसे। गुलाबी क्रांति की बात की जाए दोस्तों, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, नीली जो क्रांति यह किससे संबंधित है, यह मत्स्य से के उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है। गुलाबी क्रांति दोस्तों किससे, झींगा उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। और श्वेत क्रांति तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, तो यहां से तीसरा और चौथा जो है सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, यंत्र का नाम और राशियां जो नापते हैं, तो विचार करके बताएं दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या होगा, कौन सा किससे संबंधित होगा। दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो जो हमारा एनीमोमीटर है यह किससे संबंधित है, यह वायु की गति को मापता है, संबंध हो जाएगा। एमीटर की बात करें दोस्तों तो विद्युत धारा को मापने का कार्य एमीमीटर के द्वारा किया जाता है। टैकोमीटर की बात करें दोस्तों तो घूर्णन की गति को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं दोस्तों टैकोमीटर का, कोड क्या हो जाएगा 341। और पायरोमीटर तो दोस्तों याद रखिएगा उच्च ताप को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं पायरोमीटर को। तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन होगा इसमें 3412 हो जाएगा, एनीमोमीटर संबंधित हो जाएगा वायु की गति से, एमीटर विद्युत धारा से, टैकोमीटर हो जाएगा घूर्णन की गति से, और पायरोमीटर जो है उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु जो है लिए गए विकल्पों में से कौन सा है। जी दोस्तों कोरोना जो है वो घात करो और छिप जाओ वाला नहीं, कोरोना जो है वो घात भी करता है और आपके सामने बना भी रहता है। आप लोग सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बात करें इस प्रश्न की तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आरएसवी वायरस जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जनरली ये छोटे बच्चों में 2 से 5-7 साल के बच्चों को होने वाला रोग है,
और यह कैसा विषाणु है, यह घात करके छिप जाने वाला, मतलब ये पकड़ में नहीं आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? जी फ्यूचर मैटर, बिल्कुल ठीक, टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों दो सूचियां हैं आपके समक्ष, मिलान करना है हमें, तो एपिकल्चर का संबंध किससे होगा दोस्तों? बिल्कुल ठीक, मधुमक्खी पालन से संबंधित है हमारा एपिकल्चर। बात करें दोस्तों सिल्वीकल्चर का तो सिल्वीकल्चर का संबंध हो जाएगा शहतूत के वृक्ष से, कोड हो जाएगा 4। विटीकल्चर की बात करें, याद रखिएगा दोस्तों, तो अंगूर की खेती से इसका संबंध हो जाएगा, और पिसिकल्चर तो यह मछलियों के पालन से संबंधित है, कोड हो जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा 3, 4, 1, 2। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपके समक्ष है और उसके समक्ष आपको तारीख दी गई है, विचार करके आपको बताना है कि कौन सी तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जैसे सबसे पहले दे रखा दोस्तों विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। विश्व मानक दिवस की बात करें दोस्तों, तो विश्व मानक दिवस जो है वो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, कोड हो जाएगा 2। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें दोस्तों, कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा 1। और विश्व विकलांग दिवस तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है हमारा विश्व विकलांग दिवस, 3, 2, 1, 4। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों फूड को हम खाने को, खाद्य पदार्थ जो है उनकी सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, सोडियम बेंजोएट, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों किस कौन कौन जो है वो सही से सुमेलित है। जी जेंटामाइसिन, बिल्कुल ठीक है, यह एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। एक्रीफ्लेविन की बात करें दोस्तों, तो यह क्या है, यह पूर्तिरोधी, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें सल्कोनल की, तो सल्कोनल क्या है, बिल्कुल ठीक है, यह एक निश्चेतक के रूप में कार्य करता है। और फिनेसिटिन की बात करें दोस्तों, तो यह एंटी पायरेटिक्स है, तो यह जो है सुमेलित नहीं है, इसके अलावा बाकी सब सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से किस वैदिक काल में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में यह पूछा गया है। जी ऑप्शन नंबर डी उपनिषद, तो उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों ऋग्वेद यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है, तो कई बार पूछ लिया जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। और वेदों में अगर बात की जाए, तो वेदों में मोक्ष की चर्चा नहीं की गई है, उपनिषद में चर्चा की गई है मोक्ष की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उद्देश्य दिया था? तो दोस्तों विचार करके बताएं, बिल्कुल ठीक सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प।